बाणों की सैया पर पिता में भीष्म, बड़ी लंबी कथा है। और वो एक प्रवचन में एक बात बोल गए थे, युधिष्ठिर यदि किसी नारी का अपमान हो रहा है तो भले ही अपने प्राणों की आहुति क्यों न डालनी पड़े, उस नारी का सम्मान बचाना चाहिए। तो द्रौपदी खिलखिलाकर के हंस पड़ी थी। द्रौपदी को हंसते हुए भीष्म ने देखा तो पिता में भीष्म ने पूछा, कहा, द्रौपदी हंसने की तो बेटी कोई बात नहीं थी, तो मैं हंसी क्यों आई? द्रौपदी ने कहा, पितामह, आप जैसा महापुरुष नकली बात करेगा तो क्या मुझे हंसी नहीं आएगी? आप कहते हैं कि नारी का अपमान हो रहा हो तो प्राणों की आहुति भी डालनी पड़े तो भी नारी का सम्मान बचाना चाहिए। पितामह, उस भरे जुआघर में तो मेरे केसों के ऊपर हाथ दुशासन ने डाला, मेरे वस्त्र को खींच रहा था। आप यह बताइए कि मैंने आप में से किसकी शरण नहीं मांगी? मैं रोती रही। उस दिन मुझे पता लगा, अभी तक तो मैं यही समझ रही थी कि हस्तिनापुर की राजनीति अंधी है, लेकिन उस दिन मुझे पता लगा कि हस्तिनापुर की राजनीति तो बहरी भी है। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, बिलखती रही और आप सब मेरा अपमान देखते रहे। पितामह, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि जो ज्ञान आज आप बांट रहे हैं, उस समय आपका ज्ञान कहाँ चला गया था? पितामह भीष्म बाणों की सैया पर पड़े हुए रोते रहे, बिलखते रहे। वो कहते रहे, बेटी, जिस समय तेरे वस्त्र का हरण हो रहा था उस समय मैं पापी दुर्योधन के अन्न के ऊपर पल रहा था। ये पाप की रोटियों का ही परिणाम था कि इतना बड़ा अपराध हो गया और मैं उसको समझ नहीं सका। ये पाप की रोटियां पितामह भीष्म की बुद्धि को विचलित कर सकती हैं तो हम और आप फिर कैसे बच जाएंगे? आपके बच्चे सरकारी नौकरी के लिए जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, सबसे पहले उनको यही संदेश दीजिए, कहिए, बेटा, हमें दो नंबर का पैसा नहीं चाहिए। ये दो नंबर का पैसा फेंपड़ा फाड़ करके बाहर निकलता है। इससे हर प्रकार से बचने की कोशिश कीजिए। हम चार बार खा लेते हैं, मैं तो नहीं रखता। चार बार खाते हो तो वो रोटी कितनी पवित्र है ये महत्व रखता है। पैसा जहां से आया है वो कितनी मेहनत का है ये महत्व रखता है। आज इतनी बीमारियां फैल रही हैं, पूर्व में इतनी बीमारियां नहीं थी क्योंकि आदमी निकम्मा बन करके खा रहा है, मेहनत करता नहीं है। पैसा कहां से आ रहा है इसके ऊपर वह कभी भी ध्यान नहीं देता और यही स्थिति होगी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जीवों की हत्या हो रही है। मैं तो कहूंगा अपने बच्चों को, बोलो नौकरी वहां करें जहां सुकून मिले। लाखों रुपया मिले क्या मतलब है जहां मुर्गे काट करके फार्म, मुर्गा फार्म हाउस पर जाके नौकरी करनी पड़े, शराब के ठेके पर जाकर के नौकरी करनी पड़े, क्या मतलब है ऐसी नौकरी का? काम वहां कीजिए जहां जिंदगी जीने में सुकून मिले। गर्दन उठा करके आप बात कर सकें, लोग आपको पूछे क्या काम कर सकते हो, क्या काम करते हो, और आप जा करके कह दें कि 10,000 मुर्गे कटते हैं वहां और वहां पर हमें मैनेजर बना दिया गया, तो क्या आप जवाब दे पाएंगे? कारोबार भी ऐसा, नौकरी भी ऐसी, जिसको करने में गर्दन ऊपर होती हो। मुझे ऐसा कुछ जीवन जिया जाए तो जिंदगी जीने में आनंद होता है। तो यह कह करके मैं आगे बढ़ रहा हूं, चाहे जहां का जल पीना, चाहे जहां का भोजन खाना और चाहे जहां जाकर के रह लेना, यह बिल्कुल आदत में नहीं होना चाहिए। ये सब बातें महात्मा विदुर ने युधिष्ठिर को समझाई।